नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। बिहार में प्रकृति प्रेमियों के लिए पैसा कमाने का धमाकेदार मौका आया है, क्योंकि बिहार में राज्य स्तर पर बिहार पेड़ लगाओ पैसे कमाओ योजना को लॉन्च किया गया है, जिसके तहत आप पेड़ लगाकर 60 रुपए प्रति पेड़ की दर से आर्थिक लाभ कमा पाएंगे और इसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए हम आपको इस लेख में विस्तार से बताएंगे कि बिहार पेड़ लगाओ पैसे कमाओ योजना में आप कैसे अपने आवेदन को भेज सकते हैं। बिहार पेड़ लगाओ पैसे कमाओ योजना में आवेदन करने के लिए किसान की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए और किसान को इस योजना में आवेदन करने के लिए अनिवार्य तौर पर 25 पौधे खरीदने होंगे, तभी आप इस योजना में आवेदन कर पाएंगे और इसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। वहीं वृक्षारोपण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए किसानों की आर्थिक तंगी को भी दूर किया जाएगा। बिहार के परिवहन संरक्षण को नजर में रखते हुए किसानों की वृद्धि के लिए इस योजना को शुरू किया गया है, ताकि गरीब किसान पेड़ लगाकर कमा पाए। वहीं हम आपको बताते हैं कि बिहार पेड़ लगाओ पैसे कमाओ योजना पाने के लिए कुछ जरूरी सरकारी कागजात के भी काम आपको करवाने होंगे। यही नहीं, किसानों के पास भूमि कम है वो भी इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। उसके लिए उनको 25 पेड़ लेने होंगे, वह चाहे तो अपने मन से कोई भी पेड़ लगा सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आप योजना का लाभ कैसे उठा पाएंगे। इस योजना में बिहार राज्य के सभी प्रकृति प्रेमी व किसान भाई बहन आवेदन करके इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योजना की मुख्य विशेषता है कि राज्य के जिन किसानों के पास पर्याप्त भूमि नहीं है या फिर बेहद कम भूमि है, वे भी इस योजना में आवेदन कर सकते हैं और इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस योजना के तहत आप सभी आवेदक अपने जिले के वन विभाग में मात्र 10 रुपए प्रति पौधे की दर से पौधा खरीद सकते हैं। 3 सालों के बाद वे पौधे पेड़ का रूप ले लेंगे। तब यदि उनमें से 50% पेड़ अगर सुरक्षित रह जाते हैं तो आपको उसका 60 रुपए प्रति पेड़ की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना की मदद से न केवल राज्य की प्रकृति की सुंदरता का विकास होगा, बल्कि राज्य में किसानों का भी सामाजिक आर्थिक विकास होगा। वहीं सरकार ने ये भी तय किया है कि अगर आपको जरूरत पड़ी तो आप पेड़ को कटवा भी सकते हैं, क्योंकि ये आपका हक होगा। इस पे सरकार की तरफ से किसी भी तरीके से दबाव नहीं दिया जाएगा। एक तरफ जहां हरियाली का वातावरण होगा, वहीं दूसरी तरफ इसके बहुत से फायदे भी होंगे। मुख्यमंत्री ने साक्षात्कार में बताते हुए कहा कि पेड़ लगाने की वजह से हरियाली होगी, वातावरण सुंदर होगा, वहीं हवा भी शुद्ध होगी। वहीं उन पेड़ों से मिलने वाले फल तथा उनके पदार्थ भी काफी स्वस्थ होंगे। योजना की प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑफलाइन होगी, जिसके लिए आपको कुछ पेपर्स आपके पास के वन विभाग में जमा करने होंगे। सबसे जरूरी आधार कार्ड की कॉपी, साथ ही अपने जमीन के रजिस्ट्रेशन की कॉपी लेकर आपको अपने पास के वन विभाग में जमा करनी होगी, जिसके बाद मनरेगा द्वारा इसका परीक्षण भी किया जाएगा। आपको वन विभाग के द्वारा फॉर्म भी दिया जाएगा, जिसको आपको भर के जमा करना होगा, जिसके बाद आपको वन विभाग द्वारा पेड़ दिए जाएंगे ताकि आप उनको लगा पाओ। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।